आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो क्या दिया है? कैन एवरी ऑक्सीडेटरी मोशन कैन बी ट्रीटेड एज एसएचएम इन लिमिट ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो गाइस, अगर हमें इस बात पे कमेंट करना है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात करें कि क्या हर स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला ऑक्सीडेशन एसएचएम होता है, तो इसका आंसर नो होगा। इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है, बिकॉज रीजन क्या देंगे गाइस? रीजन यहाँ पे ये है कि किसी भी एसएचएम को, ऑक्सीडेशन को हम एसएचएम तभी बोल सकते हैं जब हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव सिंगल पावर की क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या हमारा जो टॉर्क है वो क्या हो, थीटा की सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब हमारा जो रिलेशन होता है फोर्स और टॉर्क का, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? लीनियर रिलेशन। और लीनियर रिलेशन का मतलब अगर हम फोर्स और एक्स के बीच का ग्राफ खींचें तो हमारा ग्राफ कैसा बनना चाहिए? डेट इज द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप अगर फॉलो कर रहा है फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और यहाँ पे एफ और टी को गाइस हम क्या बोलते हैं? एफ हमारा है रीस्टोरिंग फोर्स। एफ कैसा फोर्स होना चाहिए? डेट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। और टी को क्या बोलते हैं? डेट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क है वो लीनियर रिलेशनशिप रखना चाहिए, जो भी मेन पोजीशन से हमारा डिस्प्लेसमेंट है और जो भी मेन पोजीशन से हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ क्या बनने वाला है? तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं डेट इज द फॉर एफ वर्सेस एक्स, वेयर एफ इज द रीस्टोरिंग फोर्स एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो हमारा ग्राफ कैसा है? स्लोप होना चाहिए नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ अगर एक्स इंक्रीज होगा तो हमारा एफ क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो गाइज इस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनना चाहिए? विद द नेगेटिव स्लोप। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया फॉर फोर्स वर्सेस एस के लिए। सिमिलर मैनर में अगर हम टी वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो सिमिलर तरीके से हमारा टी वर्सेस थीटा का भी ग्राफ बनने वाला है। और टी वर्सेस थीटा मतलब दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क एंड दिस इज द थीटा इन रेडियन। थीटा हमारा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में भी हमारा जो रिलेशनशिप आने वाला है डेट इज द नेगेटिव स्लोप के साथ कैसा आने वाला है? लीनियर आने वाला है। तो गाइस यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ग्राफ बनने वाला है और ये नेसेंशियल कंडीशन होती है फॉर द एस एच एम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।